आप सबको मेरा लाल सलाम। मेरे पहले कॉमरेड श्रीवास्तव और कॉमरेड बैरागी इस विषय पे बोल चुके हैं, और वो दोनों ही जमीनी स्तर पे काम करने वाले हैं, और उनका जो विषय के साथ में परिचय है और जो जिसको कहते हैं इनसाइट है कृषि और कृषक लोगों की समस्या के बारे में, वो मैं जो कि एकेडमिक्स में हूँ और स्टेटिस्टिक्स देखती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ, उस तरह की इनसाइट मैं कभी पा ही नहीं पाऊंगी, ये मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ मैक्रो पर्सपेक्टिव और कुछ डेटा आप लोगों के सामने रख के जो समझ उन्होंने बनाई है उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से इजाफा कर सकूँ, इसका प्रयत्न करती हूँ। आज का जो विषय है वो किसान, कृषि संकट और कोविड-19 इस तरह का है। और मैं सोचती हूँ कि मैं कोविड-19 के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, वहाँ से शुरू करूँ। जो कोविड-19 ने इस दुनिया में जितना केओस और जितनी अफरा तफरी और जितना लोगों का मतलब असमर्थता इसके साथ में डील करने की, वो जो पिछले 3-4 महीनों से हम लोग देख रहे हैं, वैसी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और केवल एक देश की बात नहीं है, दुनिया के हर देश में ऐसा लग रहा है कि इस वायरस के साथ में कैसे डील करना ये समझ ही नहीं आ रहा, और ये वायरस क्या है और इस वायरस की थ्रेट कितनी है ये भी समझ नहीं आ रहा। और यदि पूरे दुनिया के सारे देशों को देखें तो एक चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश, साउथ कोरिया ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए छोटे देश, और हिंदुस्तान में कहें तो केरला, ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिन्होंने कि कोविड के बीमारी के खतरे को संभालने में सफलता पाई। और ये बात कि चाइना ने कंट्रोल कर लिया या केरला में बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है, इस बात से मुझे बिल्कुल सांत्वना नहीं मिलती कि मध्य प्रदेश में किसी तरह की आशा है या पूरे हिंदुस्तान में किसी तरह की आशा है। और जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए, मतलब इस कोविड-19 का आगे क्या परिणाम होगा इस बारे में कोई भी आंकलन लगा नहीं पा रहा। और सरकार जो कर रही है, सरकार ने कोविड, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने कोविड-19 को डील करने में जो भी नीतियाँ अपनाई वो मतलब कोई भी ठीक नीति नहीं सोच पा रहा, लेकिन सरकार ने जो नीति अपनाई वो अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत ही गलत थी। कि जब केवल 500 केसेस थी तब इन्होंने इतना अर्ली लॉकडाउन किया, और उस अर्ली लॉकडाउन करते समय इन्होंने सोचा ही नहीं कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था क्या है और हिंदुस्तान में रोजगार क्या है और इस लॉकडाउन को हम कितने दिन तक रख सकेंगे। ये जो माइग्रेंट लेबरर्स की ट्रेजेडी हुई है और इतना बड़ा इनका रूप सबके सामने आया है, तो हर किसी ने कहा कि भाई 4 घंटे का नोटिस देके क्यों लॉकडाउन किया, थोड़ा समय देते, प्लान कर लेते, इन लोगों को घर भिजवा देते, देखते कि सब ठीक से सेटल्ड है अपने घर में और उसके बाद में लॉकडाउन करते। अपने आप में ये एक बात हो सकती है, लेकिन मैं सोचती हूँ यदि वो 4 घंटे की जगह 4 दिन सोचते या एक हफ्ता भी सोचते तो भी इतनी बड़ी कंट्री में, पूरी कंट्री में लॉकडाउन करके किसी भी तरीके से समस्या से का निदान मिल नहीं सकता था। एक तो बात हुई कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो गई इन पिछले 60 दिनों में, लेकिन दूसरा ये हुआ कि लॉकडाउन से बीमारी को ये रोक ही नहीं पाए। और अब जबकि बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जब आपके पास में 3 लाख 2 लाख केसेस हैं और 3 लाख पहुंचने वाले हैं आप, और हर रोज आपके पास में 10,000 नई केसेस आ रही हैं, तब आप बाध्य हैं कि अनलॉक करें क्योंकि अब अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन को सहन कर ही नहीं सकती। तो अपने आप में जो भी मोदी सरकार ने किया इससे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस शायद हो ही नहीं सकता।
कोविड के लिए, कि जिस तरीके से बीमारी अनकंट्रोलेबल हो गई है और अब आपने अनलॉक कर दिया और अब आपको पता ही नहीं कि पीक कब आएगी और कितने लोग अफेक्ट होंगे और उनका इलाज करने की आपके पास में कोई सुविधा नहीं है। आपने ये 60 दिनों में कुछ प्रिपरेशन नहीं की, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके रूरल एरियाज में कोई हेल्थ फैसिलिटीज है ही नहीं, और अब आप अनलॉक कर रहे हैं और जो स्प्रेड होगा तो अब आप कह रहे हैं कि हम टेस्ट ही नहीं करना चाहते, हम हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, लोग बाग घर में ही रहें, और रूरल एरियाज में तो कोई सवाल ही नहीं आता इस बीमारी के साथ डील करने का। तो अपने आप में कोविड के साथ में यदि कुछ अच्छा प्लानिंग हो सकता था तो वो इस सरकार ने किया नहीं, और ये केवल इस सरकार की कमजोरी है या उन्होंने ठीक से प्लान नहीं किया, ये बात नहीं है, शायद इनके इनके प्लान्स ही कुछ और थे, ये इस पीरियड को कुछ और तरीके से यूज़ करना चाहते थे और शायद उन्होंने यूज़ किया भी उस तरीके से, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन कोविड जबकि पूरी तरीके से आपके कंट्रोल से बाहर है, तो अर्थव्यवस्था खोलने के बाद में लोगों के ऊपर इसका इस अर्थव्यवस्था के खोलने के बाद में ये अर्थव्यवस्था कैसे चालू हो पाएगी और कितने लोग बीमार होंगे और कितने लोगों का किस तरीके से रोजगार बहाल होगा या नहीं होगा, इन सब बातों की चिंता मुझे मालूम नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को है या नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बड़े से बड़ा प्लानर और इकोनॉमिस्ट भी अभी इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि चीजें बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड है। अब ये कहने के बाद में कि पूरी इकोनॉमी में एक तरीके से केओस है, मेहम है और कोई भी प्लानिंग अब संभव है नहीं, ये कहने के बाद में यदि हम कृषि पे आए तो मैं इसमें दो बातें आपको कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि सरकार ने इस कृषि संकट को देख करके अपनी तरफ से क्या किया, उसका एनालाइज करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद में कृषि संकट अपने आप में क्या था, ऐसे क्योंकि कॉमरेड लोगों से मैं बात कर रही हूँ तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। ये है कि जो लॉकडाउन किया गया और सब दूर से सब कुछ बंद कर दिया गया और रबी की फसल की कटाई होनी थी, वो कटाई हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आया, उसके बाद में प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आया, जो कि अभी आपको कॉमरेड बैरागी ने बताया कि लोगों के गेहूं सड़ रहे हैं, कॉमरेड श्रीवास्तव ने भी बताया कि ना तो गोदाउन है, ना समय पे प्रोक्योरमेंट हो पा रहा है और किसानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ये सब जिस समय लॉकडाउन किया उसके तुरंत बाद में सरकार ने नहीं सोचा कि कितना नुकसान होगा, उसका तुरंत क्या उपाय निकालना चाहिए, किस तरीके से एग्रीकल्चर को पूरा बंद नहीं किया जा सकता, ये सब करने में भी उनको 15 दिन 20 दिन लगे, फिर उन्होंने काम धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट शुरू कर रहे हैं और फिर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग होगा और एक दिन में इतने लोगों को हम बुलाएंगे और ऐसे कूपन्स होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद में जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं हर सेक्शन के लिए, जो कोविड से और लॉकडाउन से जिनका नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए, तो एग्रीकल्चर का पैकेज जिस दिन सुनाया गया उस दिन मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो इमीडिएट लोगों का नुकसान हुआ है, जो इमीडिएट लोगों की जरूरतें हैं, जिसके अंदर की किसान है, छोटे किसान है, बड़े किसान है, खेत मजदूर है और ये सारे प्रवासी मजदूर हैं, इन सबको अभी डायरेक्ट मदद के बारे में तो कम बात हुई, लोन्स की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुई और कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसे समय में अनाउंस किए जिनको कि सुन करके मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे इतनी हिम्मत कर सकते हैं ये काम करने की। इन्होंने एग्रीकल्चर के मार्केटिंग के ऊपर रिफॉर्म्स अनाउंस किए, पैकेज था लोगों को क्या मदद देना चाहिए उसकी बात करना चाहिए थी, कितना नुकसान हुआ है, कितनी मदद की जरूरत है उसकी बात करना चाहिए थी, एमजीएनआरईजी की बात करना चाहिए थी, कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है नहीं हुआ है उसकी बात करना चाहिए थी, उसके बजाय इन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे जो मार्केटिंग के एक्ट्स हैं उनको बदल के किसानों के लिए मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर
इतना अच्छा कर देंगे कि किसान खूब सारा उसमें प्रॉफिट बना सके। और तीन चीजें इन्होंने अनाउंस की। एक इन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसमें से ये खेती के जो धान्य वगैरह है उनको वहां से अलग कर देंगे। मतलब धान्य खेती का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के भीतर आते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार का कंट्रोल रहता है कि जो कुछ भी उपज हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको यदि क्राइसिस आए तो उस उपज को सही तरीके से लोगों के बीच में बांट सके। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के भीतर ये होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फूड ग्रेन का जो वॉल्यूम है वो नहीं मार्केट किया जा सकता है, ये कंट्रोल रहे। और ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि, और उसमें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज रखी थी कि जब विपदा हो, जब क्राइसिस हो, जब ऐसी स्थिति हो कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम मार्केट पे कंट्रोल कर सके, स्टेट का मार्केट पे कंट्रोल रहे और स्टेट ये सुनिश्चित कर सके कि लोगों को खाने को मिले। तो जब अभी इतना बड़ा क्राइसिस है, जब इतने सारे लोग बेरोजगार हुए हैं और किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं और क्या उगा रहे हैं और वो कहाँ जा रहा है, ये सब इस सब के साथ में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा इतने जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है, उसी समय आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम इन चीजों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से अलग कर रहे हैं और हम किसानों को ये सुविधा दे रहे हैं कि वो अपना उपज को है जो जितना जहां पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल दाम मिले वहां जाकर के बेच सके। तो किसानों का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप इस चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि लोगों को धान्य मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान की कृषि के बारे में थोड़ा सा भी जाना है वो ये जानते हैं कि मार्केटेबल सरप्लस, मतलब मार्केट की एडवांटेज उठा के प्रॉफिट कमाना, हमारे देश के जितने सारा श्रम शक्ति कृषि में है उसके केवल 7% हाउसहोल्ड्स, जितने रूरल हाउसहोल्ड्स हैं केवल 7%, 7% हाउसहोल्ड्स जो हैं उनके पास में इतने रिसोर्स बेस रहते हैं कि वो मार्केट का एडवांटेज लेकर के प्रॉफिट बना सके। बाकी 40% तो ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। इसके ऊपर मैं और थोड़ा एलेबरेट करूंगी। उनके पास जमीन है ही नहीं तो वो तो अनाज खरीद के खाते हैं, वो अनाज बेचते ही नहीं है। और बहुत सारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत किसान हैं और छोटे किसान हैं, वो भी जितना ऊपर उपजाते हैं उससे ज्यादा उनको खाने की जरूरत रहती है, वो भी नेट बायर्स ऑफ फूड ग्रेन्स रहते हैं। तो फूड ग्रेन्स बेच के मार्केट को आप फैसिलिटेट करें कि फूड ग्रेन बेच करके किसान प्रॉफिट कमा सके, ये तो आप जो किसान का एलीट सेक्शन है उसके लिए बता रहे हैं, और वो एलीट सेक्शन बहुत ही छोटा है। और बाकी जो 93% रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके फूड सिक्योरिटी के एक्सपेंस पे आप ये छोटे से तबके के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और ऐसे समय में बात कर रहे हैं जबकि मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि पूरी अफरा तफरी है, पूरी बीमारी का डर है, पूरे रोजगार खत्म हो चुके हैं, पूरी अर्थव्यवस्था संकट में, ऐसे समय में आप ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट को हम खत्म कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एपीएमसी एक्ट जो है ये सबसे पहले तो स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, ये सेंटर के ज्यूरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। सेंटर, हर स्टेट अपने असेंबली में एपीएमसी एक्ट को पास करती है। और एपीएमसी एक्ट, कॉमरेड्स, यदि आपको नहीं पता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के भीतर ये फ्रेम रहता है कि जो मंडी है जगह की, डिस्ट्रिक्ट में और तहसील लेवल पे, किसान अपना माल वो मंडी में जाकर के ही बेचेगा और वहां मंडी में उसके जो भी उपज है उसका ऑक्शन होगा। ऑक्शन होने से ये फैसिलिटेट करते हैं आप कि उसको बेहतर, सबसे ज्यादा अच्छे दाम मिल सके, और ऐसा ना हो कि उसके घर जाकर के या उसके गांव में, हालांकि ऐसा प्रैक्टिस में होता है, पर एक्ट इसलिए बनाया गया कि मंडी का एक प्रिमाइस है जहाँ पे कि एक कमिटी है जहाँ पे सरकार का दखल है, और यदि वहां पे खरीद बिक्री होगी किसानों के उपज की तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो
तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बचाने के लिए एपीएमसी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक के बाद एक अपने अपने स्टेट में लगाए थे, और ये एपीएमसी एक्ट की वजह से यदि किसान मंडी में जाकर के अपना माल बेचता है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रहा था कंपनीज को, क्योंकि कंपनीज जाकर के वहां पे ऑक्शन जब हो रहा है और इस तरह की मंडीज है, तो वो कॉरपोरेट जो है, जो कि कृषि में घुसना चाहता था, जो कृषि की उपज को डायरेक्टली खरीदना चाहता था, उनको इसमें तकलीफ थी। इसलिए 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया था और स्टेट गवर्नमेंट्स को वो मॉडल एपीएमसी एक्ट दिया था और कहा था कि आप ये रिस्ट्रिक्शन की केवल मंडी में ही उपज की बिक्री होगी, इसको हटाइए और कंपनीज को अलाउ करिए कि वो अपने मार्केटिंग हब्स बनाए और किसानों को अलाउ करिए कि वो मंडी के बाहर कंपनीज को दे सके। इसकी हमने स्टडी भी की थी कि यहाँ पे जो आईटीसी कंपनी थी उसने ई चौपाल बनाए थे और मार्केटिंग हब्स बनाई थी और चौपाल सागर बनाए थे, और मंडी के बाहर सोयाबीन की खरीद और गेहूं की खरीद करने की कोशिश की थी। वो अपने आप में सक्सीड नहीं हो पाई और उसका यही कारण था कि कंपनी जो करना चाह रही थी वो ये करना चाह रही थी कि जो बड़े किसान हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके, उनके साथ में साठ गांठ करके बड़े किसानों के माल को खरीदें, और छोटे और सीमांत किसान जो है जिनके पास में थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस है उन किसानों की तरफ पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया जाए। और ये जो कुछ भी आईटीसी ने प्रयोग किया ई चौपाल बनाने का, ये सफल हुआ नहीं। अंत में बड़े किसान भी वापस मंडी में चले गए। उस चर्चा को मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी एक्ट के खिलाफ, या ये एक्ट जिनको अखरता है वो है फिर से वो बड़े किसान जिनके पास मार्केटेबल सरप्लस इतना है कि वो प्रॉफिट कमा सके, और कंपनीज जो कि इन किसानों के साथ में कोऑर्डिनेट करके अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है और कहती है बीच में जो मिडलमैन होते हैं, जो आढ़ती होते हैं, उन सबको हम हटा करके और डायरेक्ट किसान को बेनिफिट देंगे और कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे। लेकिन कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट क्यों देंगे? जो प्रॉफिट बनेगा वो किसान लेंगे और कंपनी लेगी, कंज्यूमर को क्या प्रॉफिट मिलेगा और मजदूर को क्या प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। तो एपीएमसी एक्ट जो कि बनाया गया था कि प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी हर किसान को मिले, और एपीएमसी एक्ट जिसके तहत कि छोटे किसानों के लिए कुछ सुरक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी, कितनी की गई वो एक अलग बात है, उस एक्ट को फाइनेंस मिनिस्टर ने इस अफरा तफरी के समय में ऑर्डिनेंस पास करके खत्म कर दिया। अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स जाकर के कहेंगी कि ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन था, आपने कैसे खत्म किया, सेंटर ने कैसे खत्म किया, लेकिन खत्म किया। और तीसरी बात जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कही वो ये कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, हम ई मार्केटिंग को प्रमोट करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे किसान वर्ल्ड लेवल पे जा करके अपनी चीजें बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें, और कंपनीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बढ़िया आलू उगाएं, टमाटर उगाएं जिनका सॉस बने, चिप्स बने। तो बेसिकली एग्रीकल्चर में जो एलीट किसान है और उनके पास में काफी सारा लैंड है, ये मैं पास में थोड़ा सा समय है तो मैं जब कृषि के स्टेटिस्टिक्स बताऊंगी तो ये बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे जो 7% किसान हैं जिनको कि जिनके पास में कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, एनएसएसओ के डेटा के अनुसार उनके पास में कुल ऑपरेशनल लैंड का 43% लैंड है, और बाकी जो 93% हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास, जो कि सीमांत किसान, छोटे किसान और एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, वो 93% हाउस होल्ड्स के पास में केवल 53% लैंड है। तो ये 47% लैंड बड़े किसानों के पास में है, और बड़े किसानों को के लिए मार्केट खुले, बड़े किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस ले सके, बड़े किसान कंपनीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके, बड़े किसान एपीएमसी एक्ट का के खत्म होने से मंडी के प्रमाइस को नेगलेक्ट करके अपने कंपनी को डायरेक्ट बेच सके,
और प्रॉफिट कमा सके, ये हिंदुस्तान के किसानों के लिए सुविधा अनाउंस की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, और कैसे की उनके उनके दिल में, उनके जिगर में इतनी हिम्मत कैसे आई कि इस तरह की बातें करें, जबकि जनता भूखी मर रही है, जब हमारे कृषि मजदूर और माइग्रेंट लेबरर सड़क पे गिर गिर के पड़ पड़ के मर रहे हैं, बिस्किट खा के 100 100 किलोमीटर चल रहे हैं, जबकि जरूरत है कि आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें, जबकि जरूरत है कि आप हर किसी को राशन दें, तब आप ये प्रोविजन बना रहे हैं कि बड़े किसान किस तरीके से प्रॉफिट बना सके और हिंदुस्तान के किसान वर्ल्ड लेवल पे आ जाए। हिंदुस्तान के किसान मतलब केवल वही जिनके पास में ज्यादा जमीन है, हिंदुस्तान के किसान में उन सब लोगों की गिनती ही नहीं है जो कि सड़क पे चल के आए 100 किलोमीटर, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो इसलिए कृषि छोड़ करके कंस्ट्रक्शन वर्क में या शहर में छोटे नौकरी में जाते हैं कि कृषि में उनके पास में जमीन ही नहीं है, कृषि वायबल भी नहीं है। कॉमरेड श्रीवास्तव बोले कि कृषि को वायबल बनाना जरूरी है, लेकिन कॉमरेड श्रीवास्तव ने लैंड का स्टेटिस्टिक्स आपको नहीं बताया, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे जो एनएसएसओ का डेटा है, उस एनएसएसओ के डेटा में अभी भी उसके कुल जो वर्कफोर्स, एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे कंट्री के लेवल पे बहुत बड़ा सर्वे करते हैं, और उनका डेटा सेंसस के बाद में उन्हीं का डेटा जो है वो सबसे ज्यादा रिलायबल डेटा माना जाता है। तो एनएसएसओ का जो डेटा है, जो कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डेटा है, और जो हिंदुस्तान के किसानों के पास में कितनी जमीन है, कितना लाइव स्टॉक है, कितना डेट है, उसके ऊपर भी डेटा है। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के अनुसार कुल वर्कफोर्स ये बताते हैं अभी 460 मिलियन, 460 मिलियन, मतलब कि 46 करोड़ जो है टोटल हमारा 133 करोड़ की जनसंख्या में जो वर्कफोर्स है, जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो 46 करोड़ है, और इसमें से 50%, 235 मिलियन वर्कफोर्स अभी तक एग्रीकल्चर के अंदर है। उनका लाइवलीहुड का मेन बेसिस जो है वो एग्रीकल्चर है, कृषि से ही उनका लाइवलीहुड आता है, 50% वर्कफोर्स। तो हमारे पास में 235 मिलियन या 23.5 करोड़ आदमी और औरतें हैं जिनका की मेन ऑक्यूपेशन लाइवलीहुड कृषि से आता है, और ये जो 23.5 करोड़ लोग हैं इनके पास में जमीन कितनी है? हमारे पास में जो प्राइवेट ऑपरेशनल होल्डिंग की जमीन है, एक तो वो जमीन बहुत ही तेजी से कम होती जा रही है, हर 10 साल में एनएसएसओ का सर्वे आता है, और 92 93 में जब इनका जो इनके सर्वे का रिपोर्ट है तब इन्होंने बताया कि कुल ऑपरेशनल लैंड जिसके ऊपर की कृषि की जाती है वो 92 93 में था 125 मिलियन हेक्टेयर। 125 मिलियन हेक्टेयर मतलब 12.5 करोड़ हेक्टेयर, और उसके बाद में 2002 3 में एक सर्वे आया, और 2012 13 में सर्वे आया, वो 2012 13 में जो सर्वे आया वो उन्होंने ये बताया कि 125 मिलियन हेक्टेयर से अब ऑपरेशनल लैंड जो है खेती के लिए वो कम होकर के केवल 94 मिलियन हेक्टेयर रह गया, मतलब कि ये 20 साल के अंदर 30 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में, या कम से कम किसानों के हाथ से कॉरपोरेट के हाथ में या किसी और हाथ में चला गया है। तो जो लैंड लोगों के पास है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो अब आप बताइए कि 235 मिलियन मेन एंड वुमेन आर देयर, और कुल लैंड जो है वो 94 मिलियन हेक्टेयर ही है, और 235 मेन एंड वुमेन जो है उसमें से, जैसे मैंने आपको बताया कि 40% हाउस होल्ड्स जो है उनके पास में केवल हाउस लैंड है, उनके पास खेती का फार्म लैंड है ही नहीं। जो लैंड होल्डिंग्स है वो बताते हैं कि टोटल लैंड होल्डिंग्स 101 मिलियन है, तो 101 मिलियन लैंड होल्डिंग्स में के पास में केवल 94 मिलियन हेक्टेयर लैंड है, मतलब कि एवरेज पर लैंड होल्डिंग जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम है।
पहली बात तो ये कि जितने लोग कृषि के अंदर अपना लाइवलीहुड ढूंढ रहे हैं उतने लोगों के पास में यदि आप रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर दें लैंड और सबको बराबर का लैंड दे दें तो भी इतना लैंड है ही नहीं कि सबके पास में खेती करने लायक लैंड हो। लेकिन ये सब किसान है। स्वामीनाथन कमीशन कहते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और वो किसान जिसके पास में आधा बीघा जमीन है और वो किसान जिसके पास में कि 1 बीघा जमीन है, वो सारे किसान है। केवल वो 7% हाउस होल्ड किसान नहीं है जिनके पास में कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और जिनके प्रॉफिट की चिंता कर रही है सरकार। ये सारे किसान है, और ये सारे किसान जो है ये फूड ग्रेन्स खरीद के खाने की स्थिति में है। ये इनके खेती को वायबल आप बना ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास में लैंड ही नहीं है। जब लैंड ही नहीं है तो आप इनकी खेती को कैसे वायबल बनाएंगे? आप क्या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे, और क्या तो आप मंडी की बात करेंगे, और क्या तो आप जस्टिस की बात करेंगे? सबसे पहले खेती का जो मेन रिसोर्स बेस लैंड है वही लोगों के पास में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर समस्या जो है, कृषि का संकट जो है, वो एक्चुअली उसका हल, उसका सोल्यूशन कृषि के भीतर इसलिए नहीं ढूंढा जा सकता कि जितने लोग अभी कृषि में लाइवलीहुड ढूंढ रहे हैं उतने लोगों को कृषि वायबल करने के लिए हमारे पास में जमीन ही नहीं। तो इस संकट का जो उपाय है वो उपाय है कि लोगों के लिए कृषि के बाहर रोजगार ढूंढा जाए। और 70 साल के हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के डेवलपमेंट में हम किसी भी तरीके से कृषि के बाहर लोगों के लिए रिस्पेक्टेबल रोजगार का कोई भी प्रबंध नहीं कर पाए। और अब जो हो रहा है 1991 से ग्लोबलाइजेशन के बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, उसमें तो जितने रोजगार का प्रबंध किया था 1991 तक वो भी अब कम कम होता जा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया है और इंडस्ट्रीज जिस तरीके से डेवलप हुई हैं उसमें इतने कम मजदूर, जैसे टेक्सटाइल में इतने सारे मजदूर पहले लगते थे, अब टेक्सटाइल पूरा मैकेनाइज्ड है, मजदूर लगते ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जिसको आप कहेंगे रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट की लोगों को ऐसा प्रोडक्टिव काम मिल सके और उनको इनकम मिल सके, वो तो बहुत कम है। फिर क्या है कि एग्रीकल्चर में यदि कुछ भी नहीं है तो लोग बाग एग्रीकल्चर से बाहर पुश आउट होके आ जाते हैं, यहाँ पे सब्जी का ठेला लगा लेते हैं, एक छोटी सी दुकान में साइकिल का पंचर रिपेयर करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये सारे लोग जो कि खेती से बाहर निकल करके अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, आए हैं इतने सालों में रोजगार की तलाश में, इनके लिए अर्बन एरियाज में रोजगार है, और बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में इनका इक्विलिब्रियम है। जरा सा भी झटका लगेगा तो ये इनकी जिंदगी, पूरी जिंदगियां तहस नहस हो जाती हैं। और कोविड का झटका तो बहुत ही बड़ा झटका है। इस झटके को सहने की शक्ति हमारे देश के जनता के पास में है ही नहीं। सरकार यदि अभी चाहती है कि जनता के लिए कुछ करे तो इनको सारे हॉस्पिटल नेशनलाइज कर देना चाहिए, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नेशनलाइज कर दें, बनाए जैसे चाइना ने 1 हफ्ते के अंदर नया हॉस्पिटल बनाया, वैसे रूरल एरियाज में बनाए हॉस्पिटल, लोगों की बीमारी का इलाज करें। चाहते हैं तो सारे प्राइवेट मार्केट को बंद करके सारा का सारा राशन करके हर किसी को खाना दें, और छोड़ें कि अभी इकोनॉमी चल रही है या नहीं चल रही है, पहले देखें कि लोगों को हम बीमारी से बचाएं, उनकी जिंदगियां बचाएं, और उसके बाद में फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएं जो कि कॉमरेड लोग, हम लोग हमेशा जिसकी ड्रीम करते रहते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाएं जिसमें वो प्रोड्यूस हो जो कि लोगों की जरूरतें हैं, वो नहीं जो कि प्रॉफिट देता है, जिसमें हमें इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स नहीं चाहिए, इतने बड़े फ्लाईओवर्स नहीं चाहिए, इतने सारे रोड्स नहीं चाहिए, इतनी सारी कार्स नहीं चाहिए। हमें लोगों के लिए खाना चाहिए, लोगों के लिए घर चाहिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सारी अर्थव्यवस्था को यदि आपको तोड़ के और एक नई अर्थव्यवस्था बनाना है तो अभी क्राइसिस के समय ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अभी जो प्रेजेंट सरकार है वो इस तरह का कुछ काम करेगी।
ये काम करने के लिए लोगों को खड़े होना पड़ेगा, और कॉमरेड लोगों की जिम्मेदारी ये होगी कि वो लोगों के साथ में खड़े होकर के कहें कि ये अर्थव्यवस्था जिसको कि कोविड ने तोड़ फोड़ दिया है, अब हम उसको रीबिल्ड नहीं करना चाहते, हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था और ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे कि आदमी की इज्जत हो, आदमी की कीमत हो, नफे की नहीं, फैक्ट्रीज की नहीं, कार्स की नहीं। That's not